कितने से बचाया। खुद तैरना नहीं जानती हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया और अपने बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय दिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से इनकी बहादुरी और अदम्य साहस के लिए। उत्तम जीवन रक्षा पदक से आपको अलंकृत किया जा रहा है, साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुश्री काजल कुमारी। उत्तम जीवन रक्षा पदक और प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है आज के इस पावन अवसर पर। अदम्य साहस का परिचय आपने दिया है और इनके बाद मैं आमंत्रित करती हूं श्री प्रभात कुमार, 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर, जिन्हें आज सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जा रहा है। आप खूंटी, गुमला, चतरा, सिमडेगा, देवघर एवं दुमका में एसपी रहे तथा रांची एसएसपी रहे 2014 से 16 तक। कोल्हान एवं बोकारो में डीआईजी रहे, वर्तमान में आईजी स्पेशल ब्रांच हैं। पूर्व में भी आपको राष्ट्रपति वीरता पदक, मुख्यमंत्री वीरता पदक, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और असाधारण आसूचना संकलन पदक से अलंकृत किया जा चुका है और आज के इस पावन अवसर पर आपको राष्ट्रपति पदक से सराहनीय सेवा के लिए अलंकृत किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। और इनके बाद श्री शुभांशु जैन, पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा झारखंड रांची, तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक, अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से आपको अलंकृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियां आप सब की ओर से लगातार होती रहें। अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से आपको अलंकृत किया जा रहा है। और इनके बाद मैं आवाज दे रही हूं श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, पुलिस निरीक्षक लातेहार, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक जमशेदपुर, अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से आपको अलंकृत किया जा रहा है। तालियां आप सब जरूर बजाएंगे इनके हौसले को सलाम करते हुए आज के इस पावन अवसर पर। स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड का हिस्सा बन रहे फर्स्ट इन कमांड और सेकंड इन कमांड को इनके बाद मैं आमंत्रित करती हूं। फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2020 बैच के आईपीएस आएंगे श्री कुमार शिवाशीष और सेकंड इन कमांड श्री अमित कुमार सिंह, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक। आपको सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री कुमार शिवाशीष, जो वर्तमान में हजारीबाग जिला में पदस्थापित है, और सेकंड इन कमांड के रूप में श्री अमित कुमार सिंह, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक। ये पुलिस की सेवा में वर्ष 2022 में चयनित हुए। ये प्रशिक्षण झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग से इन्होंने प्राप्त किया है और वर्तमान में लोहरदगा जिला में आप पदस्थापित हैं। और साथ साथ आज के इस पूरे परेड में जो मेहमान टीम हमारे बीच आई है, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, इनके प्लाटून कमांडर को भी मैं आमंत्रित करती हूं। आपको भी आज के इस अवसर पर सम्मानित किया जाना है। प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक कठिया टुडू, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल। फर्स्ट इन कमांड 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री कुमार शिवाशीष, तालियां आपकी ओर से जरूर हो। इस पूरे परेड में परेड कमांडर के रूप में भूमिका निभाई सेकंड इन कमांड के रूप में श्री अमित कुमार सिंह, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक, वर्तमान में लोहरदगा जिला में पदस्थापित। आपके अरब बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक कठिया टुडू, मेहमान टीम जो आज के इस परेड में हिस्सा लिया है इन्होंने, और अब इनके सम्मान के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें अलंकृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल प्लाटून कमांडर पुलिस सब निरीक्षक कठिया टुडू, तालियां आपके तरफ से हो। ये मेहमान टीम स्वागत कीजिए हमारे झारखंड की धरती पर। और इनके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के कुछ लोगों के बीच प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी श्री अमरेंद्र कुमार सिंह प्रशाखा पदाधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की, जिनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सरकारी उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं कार्यों के ससमय निष्पादन के लिए आपको आज सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इनके बाद आएंगे श्री कौशलेंद्र कुमार प्रशाखा पदाधिकारी, आपको सरकारी उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु सम्मानित किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इनके बाद आएंगे श्री अमन कुमार टंकक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको सरकारी उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु आज सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और सभी को सम्मानित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब परेड विसर्जन के लिए अनुमति प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह की इस परेड के विसर्जन के लिए अनुमति प्राप्ति हेतु फर्स्ट इन कमांड श्री कुमार शिवाशीष। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।